करते हैं, मतलब इसको समझते हैं हम लोग कैसे ये काम करता है बेसिकली। दोस्तों वैसे एलोवेरा, गार्लिक और ग्रीन टी के बारे में आप जानते हैं ये क्या क्या काम करता है? गूगल के बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों। हमारी बॉडी से ना फैट कम करने के दो ही तरीके हैं, वसा कम करने के, या तो उसको जला के बाहर निकालना या उसको पिघाल के बाहर निकालना। दोस्तों जला के हम बाहर निकालते हैं, जब हम कोई हम लोग फैट बर्नर लेते हैं, फैट बर्नर दोस्तों आपकी बॉडी को टॉक्सिन से भर देता है, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, आपके बहुत सारे पार्ट्स को डैमेज भी करता है, डाइजेशन को वो हर्ट करता है, आपके डाइजेशन दोस्तों आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कर सकता है वो। तो गूगल ऐसा नहीं करता, गूगल क्या करता है वो जला के नहीं है, पिघाल के बाहर निकालता है फैट को। दोस्तों इसका कोकुम फ्रूट है जिसको हम गार्सिनिया कंबोजिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये क्या करता है, आपकी एपेटाइट को सप्रेस करता है। एपेटाइट सप्रेस मतलब ये होता है आपकी भूख को कंट्रोल करता है बिना कमजोरी लाए। ग्रीन टी दोस्तों आपको पता है जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये भी आपके वेट लॉस में एड करती है दोस्तों। उसके बाद देखिए इसको समझने के लिए हम लोग एक बात बताते हैं, देखिए कम से कम दोस्तों 3 महीने कोर्स करना है। इसके साथ आप हर्बल टी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ आप स्लिम डॉग पाउडर ले सकते हैं, फिट डॉग पाउडर। ये 4 प्रोडक्ट जो है दोस्तों हमारे लिए वेट लॉस प्रोडक्ट है। ओबियोडॉग, हर्बल टी, स्लिम डॉग पाउडर और फिट डॉग पाउडर दोस्तों ये हमारे लिए वेट लॉस प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों। ओबियोडॉग दोस्तों बस थायराइड पेशेंट्स को नहीं देना है आपने, थायराइड पेशेंट्स को आपने ओबियोडॉग नहीं प्रमोट करना है, ठीक है दोस्तों। और इसका रिजल्ट दोस्तों तभी आएगा जब आप डाइट को मेंटेन रखेंगे। डाइट मेंटेन के दोस्तों इसके रिजल्ट नहीं आएंगे, प्लस 30 मिनट्स की दोस्तों आप एक फिजिकल एक्टिविटी डेली करेंगे दोस्तों, आपको इसके रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। एक कंपनी का रिकमेंडेड डाइट चार्ट है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं साथ साथ। दोस्तों मॉर्निंग में खाली पेट आपको 30 से 40 ml ओबियोडॉग लेना है, 60 से 70 ml पानी के अंदर घोल के, दोस्तों खाली पेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आप आधे घंटे बाद चाय कॉफी ले सकते हैं। अगर आप दूध और जूस लेते हैं घर में दोस्तों, तो जूस के अंदर आपको शुगर नहीं डालनी और दूध जो है वो कम से कम लेना, चाय के और कॉफी के अंदर दूध कम डालना है आपको, ठीक है ना। फिर कुछ टाइम बाद अगर आप ब्रेकफास्ट डाइट की बात करें दोस्तों, 2 स्लाइस मल्टीग्रेन ब्रेड लीजिए। मैं ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड आपको लेने को नहीं बोलूंगा, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड लेंगे तो दोस्तों ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों। अगर घर का मिल्क या जूस है दोस्तों, जूस आपको विदाउट शुगर लेना है और नॉन क्रीमी ब्रेकफास्ट करना है आपको। क्रीमी होनी चाहिए ना, चीज क्रीम ये सब मक्खन वक्खन नहीं होना चाहिए आपको दोस्तों। फिर 2 घंटे बाद लंच जब बात आती है दोस्तों, आपको सैलड लेनी है। सैलड आपको दिन में कभी भी खा सकते हैं आप, वेजिटेबल सैलड कभी भी ले सकते हैं दिन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और साथ में सिट्रस फ्रूट, आपको दिन में कभी भी भूख लगती है तो आप सिट्रस फ्रूट खाइए। सिट्रस फ्रूट जैसे होता है संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, आंवला हो गया, नींबू पानी आप ले सकते हैं बिना मीठा, मीठा नींबू पानी नहीं लेना, वो आप फीका ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं हल्का दोस्तों। उसके बाद आप जब लंच करेंगे 2 से 3 चपाती ले सकते हैं बटर के बिना। सीजनल वेजिटेबल होनी चाहिए, सीजन के हिसाब से जो भी आप सब्जी खाना पसंद करें आप ले सकते हैं, दाल या सूप भी ले सकते हैं, बट उसका क्रीम कंटेंट कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको 1 घंटे बाद आप बहुत अच्छे से पानी पीजिए। हम लोग रिकमेंड यही करते हैं वेट लॉस के टाइम पे 4 से 6 लीटर पानी आप कंज्यूम कीजिए। 4 से 6 लीटर पानी पिएंगे दोस्तों तो वेट जो है जल्दी लूज होता है दोस्तों। उसके बाद शाम की चाय के लिए, सुबह की जैसे आपने चाय पी थी आप वैसी चाय शाम की ले सकते हैं। और दोस्तों डिनर के टाइम पे आपको बिल्कुल सेम लंच की तरह करना है, बस आपको ऑयली और फ्राइड फूड्स आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। कभी आपको भूख लगे तो आप सैलड और साइट्रस फ्रूट का यूज कर सकते हो पूरे दिन के अंदर दोस्तों। फिर आपको अगर मीठा खाने का अगर मन करता है तो आप हफ्ते में कभी भी एक दिन या ओकेजनली वीकली आप ले सकते हैं, जिसमें शुगर कंटेंट 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो थी आपकी डाइट। इसके बाद 30 मिनट्स का वर्कआउट आपको डेली करना है, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे आप जिम जाते हो, चाहे पुशअप करते हो, कुछ भी आप जरूर एक फिजिकल एक्टिविटी अपने साथ डालिए। प्लस छोटा सा काम प्रिकॉशन दोस्तों और लेने, 3 प्रिकॉशन छोटे छोटे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आयुर्वेदा जीवन पद्धति हम प्रमोट करते हैं दोस्तों। मीट और एग्स को आपने बार बार बोलना, मीट एग्स बिल्कुल नहीं खाने, ये आपका मेटाबॉलिज्म स्लो करते हैं और कॉन्स्टिपेशन दोस्तों बनाने में ये सबसे ज्यादा कारगर होता है, तो कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं रखना है। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोई आप सोडा वोडा आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। पैकेज जूसेस नहीं लेने। पोटैटो चिप्स दोस्तों, पोटैटो चिप्स सबसे ज्यादा मोटापा देने वाले काम होते हैं पोटैटो चिप्स के दोस्तों। रेडीमेड स्नैक्स कोई आपने कंज्यूम नहीं करना है। अगर दोस्तों अल्कोहलिक है, बिना शराब के नहीं रह सकते हैं आपको, आप आइस शराब ले सकते हैं विदाउट आइस और सोडा। आइस और सोडा दोस्तों आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं दोस्तों। उसके बाद सैलेड और रोस्टेड दाना आप ले सकते हैं, बस आप बियर और वाइन को प्रेफर नहीं करेंगे, बाकी आप अल्कोहल कुछ भी ले सकते हैं। तो और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है आपको, डीप फ्राइड फूड बिल्कुल नहीं लेना है। 3 महीने का कोर्स करना है, 3 महीने में अगर आप 4 प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं और ये डाइट फॉलो कर लेते हैं तो ऐसे विजिबल रिजल्ट्स दिखे गए हैं जो पहले 45 दिन में 4 से 5 किलो वजन कम करने में सहायक है और अगले 45 दिन में 2 से 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो वजन कम होता है। मतलब हेल्दी वे से अगर आपको वजन कम करना है बिना किसी आपको गलत चीज खाए हुए, तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल
आप ले सकते हैं ओबीडॉग के साथ हर्बल टी, स्लिम डॉग पाउडर और फिट डॉग पाउडर। ठीक है दोस्तों, ये था। शुगर बिल्कुल आपने नहीं खानी है, सोडा और आइस दोस्तों आपको बिल्कुल लेना है। आप फिट ओबीडॉग दोस्तों शाम के टाइम भी खाली पेट 30 से 40 ml कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ एक बिल्कुल प्रॉपर आपको एक पतला होने का डाइट चार्ट मिल गया होगा आपको, पतला होने का तरीका पता लग गया होगा। इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से रिकमेंड कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आपको देखने को मिलेंगे। हेल्दी वे से पतला होना बहुत कम लोग जानते हैं और उसमें आपको हमने सपोर्ट कर दिया इन चार प्रोडक्ट से। हेल्दी वे से पतला होना है आपको, हेल्दी वे से वेट लॉस करना, पिघालना है वेट को, जलाना नहीं है, बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले प्रोडक्ट की तरफ।